Hi guys, welcome to your 51st Java tutorial in Hindi by TechnoSesh. और इस वीडियो में हम देखेंगे इवेंट हैंडलिंग। मैं शादी या कोई कॉन्सर्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ जावा का इवेंट हैंडलिंग की बात कर रहा हूँ। इवेंट जावा में क्या होता है, देखिए जब भी मैं कोई बटन को प्रेस करता हूँ एक इवेंट जनरेट होता है। जैसे आपका ईमेल का सेंड बटन है, जब भी आप सेंड पे क्लिक करते हैं तो एक इवेंट जनरेट होता है। अब उस इवेंट को एक इवेंट हैंडलर संभालता है या समझता है और उसका डिजायर्ड एक्शन परफॉर्म करता है। और यहां हमारा एक्शन था ईमेल को भेजना। याद रखिए, बटन सिर्फ एक कंट्रोल होता है, वो सिर्फ एक इवेंट जनरेट करता है, पर उसका पीछे लगे हैंडलर क्लासेस उसका एक्शन को परफॉर्म करता है। इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए मैं वही एग्जांपल यूज करूंगा जो हमारा पिछले वाला वीडियो में हमने देखे थे, पर इसमें और भी बहुत सारी चीजें हम ऐड करेंगे, ठीक है। और सबसे पहले हमें ऐड करना पड़ेगा हमारा AWT का इवेंट वाला क्लास। आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने इंपोर्ट ऑलरेडी किया AWT.char, पर फिर भी इवेंट को अलग से लाने की क्या ज़रूरत था। ज़रूरत है क्योंकि जावा भाई ने कहा। ठीक है, अभी हमने इंपोर्ट किया है जावा के इवेंट। ठीक है, अब सबसे पहले क्या क्या डालना है मुझे मेरे फ्रेम के अंदर। मुझे एक बटन डालना है और उसको मैं ऐसे करूंगा, और उसके बाद मुझे एक टेक्स्ट फील्ड डालना है। अब टेक्स्ट फील्ड क्या होता है, जब भी आप आपके ईमेल पे लॉगिन करने जाते हैं तब सबसे पहले आप क्या करते हैं, आप अपना लॉगिन आईडी डालते हैं। लॉगिन आईडी आप कोई बॉक्स में डालते हैं ना, वैसे ही एक बॉक्स के अंदर बॉक्स को हम बोलते हैं जे टेक्स्ट फील्ड। जावा का एक ऐसा क्लास है जो एक बॉक्स फॉर्म में होता है और वो ले सकता है स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल्स। ठीक है, तो हम इसको इस फॉर्म के अंदर यूज करेंगे। अब जैसे हमने हमारा लेबल के साथ किया था वैसे ही हम हमारे बटन के साथ करेंगे। और जो भी मैं इस पैरेंथेसिस के अंदर स्ट्रिंग वैल्यू डालूंगा वो ही मेरे बटन के ऊपर दिखाई देगा। और इसमें डालता हूं मैं शो टेक्स्ट नाम का स्ट्रिंग में डालता हूं इसके अंदर, ठीक है। और हमेशा की तरह अगर मुझे मेरे फॉर्म के अंदर इस बटन को ऐड करना है तो मुझे ऐड वाला मेथड यूज करना पड़ता है, ठीक है। अब इसके बाद हमारा टेक्स्ट फील्ड भी है, टेक्स्ट फील्ड को भी हम ऐसे करेंगे, तो JTX इक्वल टू न्यू जे टेक्स्ट फील्ड। और इस पे मुझे स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि ये टेक्स्ट फील्ड कितना बड़ा है। मैं इसका साइज रखता हूं 20। अगर 20 मतलब तकरीबन इतना बड़ा होगा जितना लंबा मेरा कर्सर जा रहा है, ठीक है। और मुझे इस चीज को भी मेरे फॉर्म के अंदर देखना है तो मुझे ऐड करना पड़ेगा उसको, और ऐड करूंगा मैं JTX के साथ। अभी ये एक चीज यहां पे देखिएगा, मेरा माउस जो है इस कंट्रोल क्लास के ऊपर चला गया। जब इस कंट्रोल क्लास के ऊपर चला गया तब एक बॉक्स की तरह आपको दिखाई दिया। यहां पे बॉक्स के अंदर कुछ टेक्स्ट है, इसको हम बोलते हैं टूल टिप टेक्स्ट, और
मैं ये चाहता हूँ कि जब भी मेरा यूज़र इस टेक्स्ट फील्ड के ऊपर अपना माउस लेके जाएगा, तब उसे ये बताएगा कि इसके अंदर मुझे क्या डालना है। तो देखिए, मैं इसको ऐसे करूँगा, JTX.set टूल टिप टेक्स्ट, और जो भी स्ट्रिंग इसके अंदर मैं पास करूँगा वो ही उस फॉर्म उस टूल टिप के अंदर दिखाई देगा। और मैं इसके अंदर ये मैसेज भेजूँगा कि एंटर टेक्स्ट हियर। ठीक है, बेसिकली हमारा फॉर्म क्या कर रहा है, हम यूज़र से ये बताएंगे कि भाई इस फॉर्म के अंदर एक टेक्स्ट फील्ड है जहाँ पे आप कुछ टेक्स्ट डाल सकते हैं। जब भी आप मेरा बटन शो टेक्स्ट वाला बटन को आप क्लिक करेंगे, तब एक नया छोटा सा एक मैसेज बॉक्स, या जावा में हम उसको कहते हैं ऑप्शन पेन, जे ऑप्शन पेन पॉपअप करेगा, और जो टेक्स्ट आपने उसके अंदर इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर एंटर किया है वो उस जे ऑप्शन पेन के अंदर दिखाई देगा। वो कैसे दिखाई देगा, जब हमें हमने बटन को एक एक्शन एक इवेंट जनरेट करने का राइट्स दिया, राइट्स नहीं मतलब एक ऐसे बताया कि भाई हमारा जे बटन जो है एक इवेंट जनरेट कर सकता है। अब देखिए मैं क्या करने जा रहा हूं, एक्शन हैंडल नाम का कोई क्लास हम बनाएंगे आगे, पर हम उससे पहले हम उसका एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे जिसका नाम होगा हैंड। हाँ, आपको एरर दिखाई दे रहा है यहाँ पे, पर हम आगे जाके उसका क्लास बनाएंगे। पर देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे हम बता रहे हैं कि हमें हमारा बटन को एक एक्शन लिसनर देने की ज़रूरत है, यानी कि JB.add एक्शन लिसनर, और ये होगा हैंड। हम ये बता रहे हैं कि हमारा बटन है, जब भी कोई आदमी उसको प्रेस करता है तब उसको सुनने के लिए कोई उसका इवेंट को सुनने के लिए एक एक्शन लिसनर की जरूरत है। अब इसको और समझाने के लिए मुझे ये प्रोग्राम पूरा बताना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा, और उसको हम पूरा करते हैं यहाँ पे। कैसे, हम सबसे पहले हमारा क्लास बनाते हैं जो हमारा एक्शन हैंडलर क्लास था, क्लास का तीन तीन एस नहीं होता, इम्प्लीमेंट्स लिसनर। देखिए हम ये स्पेसिफाई कर रहे हैं कि हमारा एक्शन हैंडलर जो क्लास है वो इम्प्लीमेंट्स करेगा एक्शन लिसनर को। इम्प्लीमेंट्स मैंने जैसे आपको शायद बताया है तब यूज करते हैं जब हम एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास को ले आते हैं। एक्शन लिसनर हमारा एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, और एब्स्ट्रैक्ट क्लास से क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास से ये होता है कि हमें इसका सारा मेथड्स को जो है ओवरराइड करना पड़ेगा, तभी एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास को हम यूज कर सकते हैं। तो एक्शन लिसनर जो है हमारा एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन गया है, और हमने इसको इसलिए एक्शन हैंडलर पे इम्प्लीमेंट्स किया ताकि जब इस हैंडलर का जो ऑब्जेक्ट है हैंड, वो जेबी के साथ जुड़ जाएगा ऐसे, तब जो है हम ये स्पेसिफाई करेंगे कि भाई जेबी जो है एक एक्शन एक इवेंट जनरेट करने वाला एक चीज़ है, और उसको हैंडल करेगा एक्शन हैंडलर वाला क्लास। लगता है मुझे थोड़ी मतलब आपको थोड़ी बहुत समझ में आ रहा है। अब हमें ये बोलना पड़ेगा कि ठीक है, हमने बता दिया कि JB जो हमारा बटन है वो एक्शन दे देगा, मतलब एक इवेंट जनरेट करेगा,
और हमारा एक्शन लिसनर का जो क्लास है एक्शन हैंडलर उसको समझ लेगा, पर हमें ये बताना पड़ेगा कि भाई ये क्या एक्शन परफॉर्म करेगा। आखिर में हमें वो मैसेज जो है एक नए छोटे से विंडो में पॉपअप करके दिखाना है ना, तो उसको हम ऐसे करेंगे। देखिए, पब्लिक वॉइड एक्शन परफॉर्म्ड, वॉइड नहीं वॉइड, और किस पे वो परफॉर्म करता है, जब इसको एक एक्शन इवेंट मिलता है और इसका नाम मैंने रखा ई, जब भी उसको एक एक्शन इवेंट मिलता है तो ये एक्शन परफॉर्म करता है, और अगर ये वही एक्शन है सॉरी गलती किया मैंने, तब हमें एक ऑप्शन पिन को प्रिंट करना पड़ेगा, ऑप्शन पिन को लेके आना पड़ेगा, जो हमारा छोटा सा विंडो है जो पॉपअप होगा वो ये होगा। देखिए ध्यान से यहां पे क्या हो रहा है। हमने सबसे पहले बताया कि जेबी हमारा एक चीज है, एक बटन है जो एक एक्शन परफॉर्म कर सकता है, तो उसको हमें एक एक्शन लिसनर के साथ जोड़ना पड़ेगा। एक्शन लिसनर को हम ऐसे ही जोड़ सकते हैं जब हमारा एक ऑब्जेक्ट बनाया है एक कोई क्लास का जो इंप्लीमेंट करता है एक्शन लिसनर को। ठीक है, इतना तक आपको समझ में आ गया होगा। अब चलो हमने उसको डाल दिया है, मतलब हमने सब कुछ स्पेसिफाई कर दिया कि एक हमारा जे बटन जो है एक एक्शन परफॉर्म कर सकता है, पर हमने ये नहीं बताया कि वो क्या एक्शन परफॉर्म करेगा। तो हमने एक मेथड बनाया एक्शन परफॉर्म्ड, जो क्या करता है, जो ये करता है, सबसे पहले वो वेरीफाई करता है कि क्या जो हमारा सोर्स है जो एक्शन जो इवेंट का जो सोर्स है वो जे बी है कि नहीं। अगर है तो एक ऑप्शन पेन में एक मैसेज डायलॉग प्रिंट कराएगा, कि क्या प्रिंट कराएगा, जो टेक्स्ट हमने इसके अंदर एंटर किया था, कहाँ पे हमारा टेक्स्ट फील्ड के अंदर। ठीक है, तो मैं इसको आपको चला के दिखाता हूँ और दोबारा समझाऊंगा। चलाने से पहले मुझे एक और चीज करना पड़ेगा, वो है ये 200x200 बहुत छोटा है, इसलिए मैं इसको 400x400 बना देता हूँ। ठीक है, तो मैं इसको दोबारा चलाता हूँ और देखिए क्या हो रहा है। मैं इसको थोड़ा सा ऊपर भी करता हूँ। जैसे आपको पता है हमारा लेबल क्या था, हमारा लेबल हेलो था, उसके बाद हमारा एक बटन था शो टेक्स्ट, और उसके बाद हमने एक टेक्स्ट फील्ड डाल रखा है। यहाँ पे टेक्स्ट फील्ड के अंदर हम कोई टेक्स्ट डाल सकते हैं, और मैं इसमें डालूँगा हेलो वर्ल्ड। ठीक है, वर्ल्ड का वो बड़ा है, कितना बेकार है ना। ठीक है, अब उसके बाद क्या हो रहा है, फिर हमने एक बटन ऐड किया था, और जब भी हम इस बटन को प्रेस करेंगे तब एक छोटा सा एक जे ऑप्शन पेन दिखाई देगा यहाँ पे, और उस टेक्स्ट को लेके यहाँ पे प्रिंट करेगा जो हमने इस टेक्स्ट फील्ड के अंदर डाल रखा है। ओके के साथ वो क्लोज हो जाता है, वो उसका प्रॉपर्टी है। ठीक है गाइस, मुझे लगता है कि आपको ये समझ में आ गया है, और मैं इस सोर्स कोड को जो है मैं अपने ब्लॉग में डाल दूंगा ताकि आप इसको देख सकते हैं, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, जो कुछ भी करना कर सकते हैं, आपके जावा में चला सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। इसको आप साथ साथ रखे भी आप इसको दोबारा चला के देख सकते हैं। तो अगर आपको कुछ डाउट्स है तो आप ज़रूर ज़रूर पूछ सकते हैं नीचे हमारा कमेंट सेक्शन में, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कर सकते हैं, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक कर सकते हैं।
और अगर आपको ये पूरी सीरीज़ देखती रहनी है मेरी, तो ऊपर सब्सक्राइब की बटन है, उस पर आप क्लिक कर सकते हैं। तो मैं बार बार पूछ रहा हूँ आपसे कि अगर आपको डाउट है तो प्लीज़ प्लीज़ पूछिएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट है समझने के लिए। ये जो हमारा एक्शन का जो सारे चीज़ें हैं वो समझने के लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा। और एक और चीज़ जो मुझे बोलना था कि वो ये है, हाँ ये वीडियो काफ़ी लंबी जा रही है पर ये आपको सुनना भी थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, कि स्विंग और हमारा AWT में बहुत सारे कंट्रोल्स हैं, बहुत सारे फीचर्स हैं, उन सबको मैं आपको दिखा नहीं पाऊँगा। अगर मैं दिखाने लग गया तो मैं पूरा साल वही दिखाता रहूँगा, पर मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि आपको ये कॉन्सेप्ट जो है बहुत अच्छी तरीके से समझे। आगे आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप इसको कैसे यूज़ करते हैं, आप क्या क्या एप्लीकेशंस बनाना चाहते हैं, वो सब एक विंडोज़ एप्लीकेशन आप इस चीज़ से बना सकते हैं। और क्योंकि जावा क्रॉस प्लेटफॉर्म है, आप इसको लिनक्स में भी या मैक में भी कहीं भी आप इसको बना सकते हैं। ठीक है गाइस, तो मैं इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। अगर आप को कुछ डाउट्स है, मैं बाबा कहता हूँ, आप उस नीचे कमेंट्स में पूछिएगा। तो सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय।